तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ पौधे में नाइट्रोजन की कमी और इसका महत्व क्या होता है। आज के इस वीडियो में आपको जानने मिलेगा कि नाइट्रोजन की कमी से पौधा किस प्रकार उसको नुकसान पहुँच सकता है और यह किस प्रकार से पौधे के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर बात की जाए पौधे में नाइट्रोजन के महत्व की, तो बहुत सारे महत्व होते हैं जो पौधे में नाइट्रोजन की कमी से ऐसे उत्पन्न होते हैं। तो उसमें सबसे पहले अगर हम बात की जाए तो पौधे की शीघ्र वृद्धि तथा पत्तियों का गहरा रंग और हरे रंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर बात की जाए नाइट्रोजन की, तो ये शीघ्र वृद्धि और पत्तियों का गहरा हरे रंग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, इसके और भी बहुत सारे महत्व है, जैसे कि पौधे में प्रोटीन तथा अन्य नाइट्रोजनीय पदार्थ एवं पर्णहरी जैसे क्लोरोफिल की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन अति आवश्यक होता है। तो दोस्तों, नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व में आता है, जो कि पौधे की वृद्धि और उसके गहरे हरे रंग के लिए भूमिका रखता है, पर्णहरी के वृद्धि के लिए आवश्यक रखता है, पौधे में शक्ति और ऊर्जा बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है, और पौधे की पत्ती तथा जड़ में शीघ्र स्वस्थ विकास के लिए भी नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा मात्रा में पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, जैसे कि नाइट्रोजन एक पोषक तत्व में सबसे महत्वपूर्ण और अग्रणी स्थान रखता है। अगर बात की जाए कि नाइट्रोजन की कमी अगर आपके पौधे में हो जाती है, किसान भाइयों के पौधे में हो जाती है, तो आप कैसे इसका परीक्षण करेंगे या पता करेंगे? तो दोस्तों, इसके लिए आपके खेत में अगर आपके पौधे में अगर गहरा हरा रंग नहीं दिख रहा है और थोड़ा पीला या थोड़ा कत्थई रंग अगर दिखता है, तो समझ जाना कि आपके खेत में मृदा में नाइट्रोजन की कमी है, जिस वजह से आपका पौधा पीला रंग का दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, मैं अभी बात की हमने नाइट्रोजन के महत्व की, अगर नाइट्रोजन के महत्व को छोड़ दें तो अभी और भी ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो नाइट्रोजन के न होने से पौधे में बहुत इफेक्ट डालती है, जिसमें अगर बात की जाए नाइट्रोजन की कमी से होने वाले अगर कमी से क्या क्या होता है, अगर इसकी बात की जाए तो नाइट्रोजन की कमी सबसे पहले आप कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए दोस्तों, नाइट्रोजन की कमी होने पर पौधे का रंग हल्का या हरा पीले रंग का हो जाता है, ठीक है, और पुरानी पत्तियाँ पीली सूखकर हल्की कत्थई रंग की हो जाती है, पीली हो जाती है, सूख जाती है और हल्की कत्थई रंग की हो जाती है, तथा ऐसे पौधे में कम कुल्ले फूटते हैं, यानी कि एक वो होता है, रोग टाइप का होता है, और इसमें पत्तियाँ और जो इसके फूल होते हैं वो देर से निकलते हैं, और पौधे में प्रोटीन की मात्रा भी घट जाती है। अगर बात की जाए नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो पौधे में कम वृद्धि होती है और वे आकार में छोटे रह जाते हैं, मतलब आकार में छोटे हो जाते हैं और वृद्धि यानी जो उनकी ग्रोथ है वो बहुत धीरे धीरे होती है। तो दोस्तों, अभी हमने बात करें नाइट्रोजन की कमी के लक्षण, ये सब नाइट्रोजन की कमी के लक्षण थे। अगर हम बात की जाए नाइट्रोजन की कमी को दूर कैसे करें, तो इसके लिए भी हमारे पास उपाय होता है। सबसे पहले तो अगर नाइट्रोजन की कमी को दूर करना होता है, तो उसके लिए नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर का उपयोग किया जाता है, जिसकी पर्याप्त मात्रा खेत में पड़ना चाहिए। पर अधिकांश जगहों पर ऐसा होता है कि कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं, इन फर्टिलाइजर का उपयोग करने से वे मृदा के साथ नहीं मिल पाते और पौधों में वे अनुपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से फसल को उस प्रकार का लाभ नहीं मिल पाता जिस प्रकार का उसे लाभ मिलना चाहिए था। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो भरकर लाइक, शेयर और कमेंट करें।